अस्सलाम वालेकुम, आप घर का विज़िट करते चलते हैं जी। मैं सबसे पहले आपको मेन गेट और उसकी जो साहिल पत्थर है ये दिखा दूं कि तकरीबन ये घर के बाहर, ये कनाल के घर के बाहर 3 से 4 गाड़ियां खड़ी करने की जगह मौजूद है। और ये देखें कि यहाँ पे ग्रीन एरिया भी ठीक ठाक दिया गया है। तो अंदर चलते हैं और हम देखते हैं कि इसका गेट कैसा है। सबसे पहले मैं गेट आपको नॉक करके दिखाता हूँ। ये मजबूत गेट है। हम अंदर आ गए और देखेंगे जी यहाँ के फ्रंट कितना खूबसूरत है, मोज़ेक का काम किया गया है। और अंदर यहाँ पे ग्रीनरी है और यहाँ पे कम से कम हम अगर ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। जो हमारे इस घर के ख़रीदार होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ दे, तो यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 फुट का पूरे घर के चारों साइडों पर यहाँ पर स्पेस छोड़ी गई है ताज़ा हवा के लिए। बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया गया घर को। और ये भी हम यहाँ से भी देखेंगे, ये आगे यहाँ से बैक साइड से ये सारा रास्ता छोड़ा गया है। मज़ीद आगे चलते हैं जी। यहाँ से एंट्रेंस है और ये ग्रेनाइट का पत्थर लगा है। और ये हम इसका जो एंट्रेंस का जो गेट है, दरवाज़ा है, उसको देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत घर बना हुआ है, एक कनाल का घर है। इस तरह का घर जो है ज़्यादा देर टिकता नहीं है। मुझे तारीफ़ करना कभी कभी ये होता है कि वो लगता है जैसे तारीफ़ जान के की जा रही है, लेकिन हम देखेंगे। अगर यहाँ पर कोई किराएदार रखना चाहें तो यहाँ से बाहर से आके तो इस दरवाज़े के ज़रिए से इस सीढ़ियों से ऊपर भी जा सकते हैं। और इस दरवाज़े को हम कर देंगे बंद। ले जी, दरवाज़ा बंद हो गया। और यहाँ से ये भी आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, ये खूबसूरत यहाँ पे जो एंट्रेंस है। यहाँ से ये हमारा सबसे पहली जो एंट्रेंस है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, काफ़ी खुला डुला ड्राइंग रूम है। और ये हमारा डाइनिंग रूम है। और इस घर के तमाम दरवाजे जो हैं, जितने भी आप दरवाज़े देखेंगे, तमाम दरवाजे जो हैं ये हम देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा टीवी रूम है। तो लकड़ी का काम बहुत अच्छा किया गया है, रॉयल पॉम के नाम से कैनेडियन लकड़ी होती है, वो इसको इस्तेमाल की गई। इस घर का मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर वीडियो आपको दे सकूँ। पंखे आपको मिल रहे हैं, फानूस आपको मिल रहे हैं। ये देखें जी, सारा सीलिंग डिज़ाइन देखें। और ये हम दोबारा आ गए, बाहर से अंदर आ गए। तो ये मैंने छोटा सा सर्वे किया और ये सारा घर आप देखें। वीडियो में कोशिश की जा सकती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए। ये दीवारें सजी आपको मिलेंगी और ये फर्श का भी तमाम कंडीशन आप देखें। घर बहुत ही खूबसूरत है, फौरन इसको ले लेना चाहिए जिसके पास गुंजाइश हो। यहाँ पे सेंटर पार्क में अभी इस वक्त हमें जो घर मिल रहे हैं वो 5 मरले का तकरीबन 1 करोड़ 30-35 में मिलता है। 10 मरले का जो घर है डबल स्टोरी वो हमें तकरीबन 2.5 से 2.55 में चला गया घर पे। ये जी पहला मास्टर बेड आ गया, मास्टर बेड घड़ी लगी यहाँ पे, लाइट्स, पंखे, सीलिंग डिज़ाइन, मीडिया वॉल। और ये हमारा वॉशरूम भी देख लें, ये काफ़ी अच्छी स्पेस इन्होंने जनाब कबर्ड्स की दी है। वॉशरूम विद सीलिंग डिज़ाइन। चलें जी, लकड़ी का काम फिर वही बात, बहुत अच्छा किया गया यहाँ पे, बड़ी अच्छी स्पेस है। वीडियो दोस्तों लंबी ज़रूर होगी लेकिन आप इस वीडियो में अच्छे तरीके से एक नाव का घर है सर्वे कर लेंगे कि बाहर से ताज़ा हवा के लिए खिड़की। ले जी आगे चलते हैं। पहला बेड हमने देख लिया और उसके बाद ये हम दूसरे बेड में जाएँगे। नीचे 3 बेड हैं, ये दूसरा बेड है, इसको भी पीछे से खिड़की दी गई है। ये दूसरा बेड हम देखेंगे। सीलिंग डिज़ाइन पहले देख लेते हैं, पंखे लगे हुए हैं, एसी वगैरह आपने खुद ला के लगाने हैं। तो ये रॉयल पाम लकड़ी का काम देखें, एक कनाल का घर है और इसकी प्राइस 10 मरले वाली है। मैं प्राइस आपको बताऊंगा। ये अच्छा वाला खुला डुला वॉशरूम है और शीशे का काम, शीशे वाला भी इसमें पोर्शन दिया गया है। और वैनिटी आप देखेंगे कितनी खूबसूरत है, ऊपर शीशा है, शीशा मैं नहीं दिखाऊँगा क्योंकि उसमें मैं नजर आऊँगा। तो आगे चलते हैं और ये देखें जी, वॉशरूम के जो दरवाजे हैं उनका भी काम लकड़ी के साथ बड़ा अच्छा किया गया है। तो आगे चलें और ज़रूर आगे देखें। दोस्तों मुझे फिक्र होती है वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ। तो ये तीसरा बेड, ये बच्चों के लिए, ये भी देखें हम लोग। यहाँ से दरवाज़ा बाहर खुलता है। जिस डिज़ाइनर ने घर को बनाया उसने बिल्कुल कोशिश नहीं की कि यहाँ पर बचत की जाए, और बचत नहीं करने की कोशिश की उन्होंने इस घर को, कोशिश की है कि इसकी बिल्कुल बिल्कुल मुनासिब डिज़ाइनिंग की है। खुला डुला घर है, एक कनाल का भी अगर घर खुला नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा लेने का।
ये किचन बिल्कुल फिनिश है, तैयार है, हर चीज़ इसकी रेडी है। और ये डबल किचन है, ये देखें जी, यहाँ पे एक लहदा सेपरेट किचन दिया गया है जिसका रास्ता बाहर को खुलता है। ये लें जी, ये बाहर को आ गया और ये वॉशिंग एरिया साथ बाहर दिया गया। वापस आ जाते हैं, डबल डोर है इसका। ये लें जी, कमाल डबल किचन दे दिया है, नीचे ही डबल किचन दे दिया है। ये देखें जी, इस घर की डिमांड बहुत ही मुनासिब है। मैं इस वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर बता दूंगा। ऊपर चलते हैं, ऊपर वाला पोर्शन भी हम देखते हैं। चलें जी, यहाँ से फिर वापस आ गए और ये पाउडर रूम है। पाउडर रूम हमने देख लिया, यहाँ से ये दरवाज़ा खुलेंगे और ऊपर जाएंगे सीढ़ियाँ। चलें जी, सीढ़ियों ऊपर जा रही, सीढ़ियों की भी मैंने वीडियो बना दी ताकि आप देख लें कि कितनी खूबसूरत इसमें ये ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन की इन्होंने यहाँ पे टाइल और पत्थर का काम किया है। ये ऊपर से एक दफा फिर देखें, फानूस देखें जी, और ये हमारा जी यहाँ पे ऊपर बेड है, एक छोटा सा बेड बच्चों के लिए इधर है, तीन बेड नीचे थे और एक मास्टर बेड इधर है और तीन बेड ऊपर है। ये खिड़की आ गई जी, यहाँ पे भी ये डेकोरेशन पीसेस लगे हुए हैं। बहुत अच्छा खुला डुला इनका, इस घर का सारा स्टाइल डिज़ाइन। लें जी, और बताएं क्या चाहिए आपको। सोने के आपको यहाँ पे ये टब मिल गए और शीशे के आपको यहाँ पे नहाने के लिए रूम छोटे छोटे बना दिए। इससे बढ़ के क्या किया जाए जी। सीलिंग डिज़ाइन भी आप देख लें, और इसको तो हम बेच भी दें ना सोने के ये जो टब है, तो घर की कीमत पूरी हो जाती है, उससे भी ज़्यादा बच जाएंगे। ये मजाक कर रहा हूँ जी, कुछ सच मुझे इसको बेचना दीजिएगा। आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि यहाँ पे ऊपर क्या कुछ है। एक छोटा बेड था, एक बड़ा बेड था, अब यहाँ से हम एक और छोटे बेड की तरफ जाएँगे। इसको स्टडी रूम कह लें, ये छोटा सा स्टडी रूम है जी, पंखा पंखा इसमें भी लगा हुआ है। और बाकी बाहर चलते हैं जी, ये हमारा बाहर का हिस्सा। और दोस्तों ये घर जो है एक कनाल का घर है, सेंटर पार्क के ए ब्लॉक में मौजूद है, फौरी ये सेल के लिए है। इस घर ने रुकना नहीं है, इस घर ने फौरन सेल हो जाना है। ये घर ये देख लें, ये आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे किचन वाशरूम यहाँ पे भी बना हुआ है, और ये भी इस घर के साथ शामिल है। घर के फंक्शंस वगैरह हों तो यहाँ पर ईजिली बड़े बड़े फंक्शन किए जा सकते हैं। इस घर की जो कीमत है 3,55,00,000 है इस घर की प्राइस। आप अगर पसंद करें तो ज़रूर हमसे कॉन्टेक्ट करें, रब्ता करें। और हम लोगों ने इस घर की क्योंकि जो डिमांड की है इस एरिया के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब है, तो आप फौरी तौर पर कॉन्टेक्ट करें, रब्ता करें। इस वीडियो की डेट आप नोट कर लें, 6 महीने बाद ये प्राइस नहीं होती, क्योंकि जिसने कॉल करनी फ़ौरन हमें रब्ता करें, हम इस घर को सेल कर रहे हैं। तो नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।